यूनियन बीके यू या फिर भारतीय किसान यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा रीज़न्स। तो ये जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की जो कि बिलोंग करते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज को और हरियाणा के ठीक है नाउ इनकी डिमांड्स क्या है इनकी डिमांड्स को देखते हैं ये डिमांड करते हैं कि देर शुड बी हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस हायर गवर्नमेंट फ्लोर प्राइसेस किस चीज के लिए शुगर किन और वीट के लिए अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ये हटाने की बात करते हैं अबोलिश की बात करते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती हैं इंटर स्टेट मूवमेंट पे फार्म प्रोड्यूस की ठीक है तो उनकी अबोलिशन की बात करते हैं ये उसके बाद गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट्स तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रीजनेबल रेट्स पे मिले इनको एंड वेविंग ऑफ द रीपेमेंट्स दैट आर ड्यू ऑन लोन्स टू द फार्मर्स एंड प्रोविजन ऑफ अ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स तो उन रीपेमेंट्स को वेव ऑफ कर दिया जाए जो कि फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं उन पर रहती हैं और फार्मर्स को गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करी जाए ठीक है उसके बाद सिमिलर डिमांड्स, ऐसी ही सिमिलर डिमांड्स वर मेड बाय द शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड द रायता संघा ऑफ कर्नाटका तो ये भी दो ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन हैं, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र की है और रायता संघा कर्नाटका की है जिन्होंने जो है बीके यू की तरह ही डिमांड्स करी थी their activities to pressurize the government to accept their demands ठीक है तो ये कुछ activities करते थे जिसके through ये जो है government को pressurize कर सके ताकि वो इनकी demands मानले तो वो कौन सी activities होती थी rallies demonstrations sit-ins jail भरो agitations ये सब इनकी activities होती थी government को pressurise करने के लिए most of the B K U members belonged to a single community and ऑर्गेनाइजेशन यूज द ट्रडिशनल कास्ट पंचायत ऑफ दिज कम्युनिटीज इन ब्रिंगिंग दैम टूगेदर ओवर इकोनॉमिक ईशूज तो मैक्सिमम जो बी के यू के मेम्बर्स थे वो एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते थे तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये ट्रेडिशनल कास्ट पंचायत का यूज करती थी ताकि वो ये जो कम्युनिटीज हैं इनको साथ में ला सके इकोनॉमिक ईशूज के ऊपर ठीक है दर्ली नाइंटीज द बी के यू डिस्टेंड इट सेल्फ फ्रॉम ऑल पोलिटिकल पार्टीज तो नाइन्टीज अर्ली नाइनटीज से पहले तक भारतीय किसान यूनियन जो है इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करके रखा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज से ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह ऑपरेट करते थे पॉलिटिक्स के अंदर ठीक है अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स हुआ एंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर सबसिस्टेंस द मेम्बर्स ऑफ द बीके यू ग्रू कैश क्रॉप फॉर द मार्केट तो मैक्सिमम जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो सब uh, के लिए ही एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए बेसिक एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन जो मेम्बर्स थे बीके यू के वो क्या करते थे वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे मार्केट के लिए तो इस तरह से ये डिफर करते थे बाकी इंडियन फार्मर्स से तो गाइज ये थी हमारी भारतीय किसान यूनियन की ग्रोथ थैंक यू गाइज क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर